जो दाया बाया हाथ नहीं जानती, परमात्मा उसको मिलता है, तब तो हम अपने सारे ज्योतिषास्त्रों को कबाड़ा में फेंक आग लगा देता, सारे सदग्रंथों को जो दाया हाथ बाया हाथ नहीं जानती, उस गोपियों को परमात्मा प्राप्त होता है। धन्य हो ठाकुर, धन्य हो कृष्ण। गोपियों ने रोते हुए कहा, बाबा ये पूछो, पूछना ही चाहते हो तो ये पूछो कि खाने वाला हाथ कौन है और गोबर उठाने वाला हाथ कौन है। गर्गाचार्य निहाल हो गए गोपियों के इस भाव को देखकर। कोई गोपी दाहिना हाथ से खाती तो बताती, बाबा ये मेरा खाने वाला हाथ है। कोई बायां से खाती वो बायां उठाती, जो दाहिना से खाती वो दाहिना उठाती। ये मेरा खाने वाला हाथ, ये मेरा खाने वाला हाथ, ये मेरा खाने वाला हाथ, ये मेरा गोबर उठाने वाला हाथ, ये बिना खाने वाला हाथ। बंधु, भगवान बुद्धिवाद से नहीं प्राप्त होता, परमात्मा को बुद्धिवाद से नहीं, नहीं मनवाद से प्राप्त होगा। परमात्मा तो केवल और केवल अकारण निष्कपट प्रीति से प्राप्त होता है। इसीलिए मानसकर ने कहा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन समोहि पावा, निर्मल मन छिद्रन भावा, निर्मल मन जन समोहि पावा, चल चित्र नावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन जन पावा, मोहे कपट चल चित्र नावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नावा, मोहि कपट छल छिद्र नावा। एक दिन बालकृष्ण भगवान गोपियों से तंग आकर के अपने ही घर में माखन की चोरी करते हैं। एक दिन की बात कह दूं, भगवान का अनंत चरित्र है ये, बार बार मैं स्मरण करता हूं। और इन 7 दिनों में जो मानस पटल में भगवान और उनके भक्तों का चरित्र स्मरण में आ रहे हैं, बस हम उतना ही आप सब के मध्य ठाकुर की समाराधना में समर्पित कर रहे हैं। जितना हो जाए उतना ही बहुत। अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहे हैं। मैया जसोदा घर के कामों में लगी है, खाने की आवाज आती है, एक खंभे के पास छीके से माखन की मटकी उतार, स्तंभ के पास में बैठे हैं, उसमें दर्पण और मणियां लगी हुई हैं। दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को, चित्र को कृष्ण कन्हाई देख रहे हैं। इतने भोले भाले परमात्मा है और भोलापन तो देखो, अपने ही चित्र को ऐनक में देख, दर्पण में देखकर बालकृष्ण अपने हाथ में माखन के गोले लेकर के
दर्पण की ओर दिखाई पड़ रहे चित्र को कोई और है ऐसा मान के कह रहे हैं, अच्छा तूने मुझे माखन की चोरी करते हुए देख लिया, ठीक है देख, मैया से मत कहना, हाँ माँ से मत कहना, इसके बदले में देख आधा माखन तू खा ले और आधा हम दोनों हम बांट बांट करके खा ले, मैया से जाकर के मत कहना, हाँ कह देता हूँ। और माखन मटकियों से निकाल करके दर्पण की ओर हाथ बढ़ाते, अरे तू तो दूर भाग रहा है, और जब अपने मुख की ओर ले जाते तो दर्पण के चित्र में भी दिखाई पड़ता कि मुख की ओर माखन जा रहा है, खिलखिलाते हंसते आनंद मनाते, अरे ऐसा लगता है कि जब मैं पाऊं तो तू पाओ, अच्छा तू तो मुझसे बहुत प्रेम करने वाला है, मुझे पाते हुए देख करके ही तू पाना चाहता है। इस तरह वार्ता भी बात भी हो रही है। मैया जसोदा ने सुन लिया, कन्हैया ओ कान्हा क्या कर रहा है तू, कहा हो कन्हैया, क्या बोल रहा है, आधा तेरा आधा मेरा, कृष्ण क्वासि करोसि किं पितरिति श्रुत्यैव मातुर्वचः सासंकं नवनीत चौर्य विवरे विश्रम्भ्यताम अब्रवी। सुन्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे अय्यंगवीनो मणिहि स्तंभे स्वप्रतिबिंब मीक्षितवतः तेनैव सार्धं भिया मातर्मावद मातरं मम सम भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरिः कलवचो मात्रारः सूर्यते। इतने में मैया जसोदा निकट चली आई, अब तो माँ ने मुझे देख लिया अपने ही घर में माखन की चोरी करते, बात बनाते हैं दोनों हाथ को माखन की मटकी में डाल देते हैं और डाल करके पुनः बाहर निकालते हैं। अरे मैया देख तू लाल लाल पद्मराग मणियों की ये जो कंगन पहना दी है इससे लाल लाल लपटें निकलती रहती हैं, तो क्या करता मैया जब गरम गरम लपटे निकलने लगी कंकण से, तो दोनों हाथ को डाल करके और उसी में शीतल कर रहा था। अच्छा शीतल करने के लिए, हाँ मैया, और जब हाथों में लग गया तो फिर तेरे हाथ का मधुर मधुर माखन भला यूं ही कैसे गिरने देता, यूं ही कैसे फेंक देता, इसलिए मुख में डाल पाने लगा। तेनायम नवनीत पात्र विवरे विन्यस्य निरवापितः मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्मया ममातप्यते। आज तो किसी तरह बात बना करके मैया का विश्वास जीत लिए, जीत गए, अच्छा बेटा ठीक ही किया। श्री बाल कृष्ण भगवान की। इतना होने के बाद पुनः माँ से कहने लग रही, मैया देख बलधाऊ भैया चले गए हैं जमुना के तट पर खेलने के लिए, मैं भी अब खेलने जाऊं, क्या नहीं बेटा जरा दूध पी ले। कालिंदी पुलिनोदरे सुमुसली यावत गतः खेलितुम, जब तक बलदाऊ खेल करके लौट नहीं आता तब तक तू जरा दूध पी ले। तावत कर बुरी का पयह पिबहरे बरधीष्यते स्ते सिखा, इसे तुम्हारी चोटिया बढ़ जाएगी। चोटी बढ़ने के नाम पर बालकृष्ण भगवान झट
दुग्ध पी गए। श्री बाल कृष्ण भगवान की हो। इस तरह नई नई लीला नित्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो, अरे मैं समझाऊं तो ए सावरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो नंद के, मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो नंद के, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी नौलख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। नौलख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। हाँ बड़ो नाम है नंद बाबा का, हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। बरसाने से तेरी भई है सगाई, नित नई चर्चा हो। बरसाने से तेरी भई है सगाई, नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं। माखन की चोरी छोड़ सावरे, ओ मैं समझाऊं तो नंद के, मैं समझाऊं तो। इस प्रकार कृष्ण कन्हाई की अनेक लीलाएं। एक दिन एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णामृतं भक्षितवान्
इति मात्रे न्यवेदयन। एक दिन एक मुट्ठी मिट्टी उठाते और घूमें खा लेते। मित्रों ने देखा, बलदाऊ ने देखा, हाथ पकड़ लिया, कैमरे के नहीं है। माखन खाते खाते पेट न भरा तो वह मिट्टी खाने लगा। सागृहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत। मैया यशोदा के पास मित्रों सहित बलदाऊ हाथ पकड़ करके लाए। देख मैया, अब तो ये माखन खाते खाते उसे भी पेट न भरा तो अब ये मिट्टी खाने लगा। माँ यशोदा पूछ रही हैं, क्यों रे कान्हा, अदांत असयमी चंचल कस्वान मृदम अदंतात्मन भवान भक्षितवान रहा, क्यों इस तरह छिप करके तो मिट्टी खा रहा है? ये सब तुम्हारे मित्र कह रहे हैं, चल मुख खोल। बदन तिताब का हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। कृष्ण कहने लगे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान यंब। सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम्। मैंने मिट्टी नहीं खाई तो क्या ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बोला? नहीं। भक्तिया भागवतम गेयम, भक्ति से ही भागवत का बोध होता है। भक्तिया युक्तिया च भारतम, भक्ति और तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा भारत का महाभारत का बोध होता है। भक्ता भक्तिया युक्तिया च व्युत्पत्तिया गेयम रामायणम तथा। भागवत का बोध भक्ति से, भक्ति और युक्ति से इतिहास में श्रेष्ठ है। महाभारत का और रामायण जानने के लिए भक्ति भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए और व्युत्पत्ति भी चाहिए। प्रत्यय और प्रकृति का पृथक पृथक यदि अर्थ बोध न हो तो रामायण का बोध नहीं हो सकता। हमारे आचार्य भगवत्पाद रामानुजाचार्य शेषावतार रामायण अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके 18 बार रामायण का अध्ययन किए। और यहाँ तो अब जमाना ऐसा हो गया कि अब भागवत की कथा सीखनी है, रामायण की कथा सीखनी है, हारमोनियम के रीढ़ पर पहले तार छेड़ना आ जाए, 2-4-10 भजन, 2-1 कथानक हो गए कथाकार। आप कहोगे कि आप भी तो उसी में होंगे, अवश्य 18 बार नहीं लेकिन 1 बार आद्योपांत मन लगा करके रामायण भी अयोध्या में पढ़ा है, आद्योपांत। और एक एक अक्षर लगभग 4.5 वर्ष वृंदावन श्रीरंग मंदिर के पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठ करके और भी अनेक विद्वानों के सन्निकट जाकर आद्योपांत भागवत 1 बार सुना। जैसे बच्चे क्लास करते हैं वैसे क्लास चलता है, वो 1.5 वर्ष वाला क्लास नहीं, 1 आवृत्ति। पूज्य आचार्य कहते थे
ना हम भक्षितवान अम्ब। भगवान ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सीधा अर्थ है ना हम भक्षितवान। लेकिन मथितार्थ बिना प्रकृति और प्रत्यय के बिना नाहम का सीधे सीधे अर्थ है मैं नहीं, भक्षितवान खाया, अम्ब हे माँ सीधा अर्थ। लेकिन यह एक अर्थ है, वास्तव में भगवान ये कह रहे हैं कि नहियते आवरण शक्तिया आवध्यते या सा प्रकृति ही ताम प्रकृतिम भक्षितवान। मैं तो मैया ये मिट्टी की बात तू क्या कर रही है, मैं तो सारा अनंत ब्रह्मांड ही खा करके अपने पेट में पचा जाता हूं। और तुझे विश्वास न हो तो तू कह रही है ना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, ले मैया देख ले और मुख फैला दिया। ना हम भक्षितवान, एक मुट्ठी मिट्टी नहीं, मैं तो ब्रह्मांड को खाने वाला। अत्ता चराचर ग्रहणात चर अचर सबको चबा करके पचा जाने वाला मैं वो हूँ। तू कैसे भूल रही है, क्या मुझे तू नहीं पहचान रही है? यदि नहीं पहचान रही है मैया हरिसुरी जी का भाव तो ले देख। ना हम भक्षितवान, मैंने सारा ब्रह्मांड खा रखा है, ले देख ले मेरे मुख में। यदि सत्य गिरस्तर ही, तू सच कह रही है मैया, यदि सत्य गिरस्तर ही, अरे मैया तू सच ही कह रही है ना हम भक्षितवान, मैं तो अनंत ब्रह्मांड को खाने वाला हूं। ले ले मैया समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख प्रत्यक्ष देख ले कि मेरे मुख में ब्रह्मांड आए कि नहीं, और मुख फैलाए अनंत ब्रह्मांड। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अब मैया जसोदा देख करके चकित रह गई। भोरी जसोदा, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तल तलातल सारे चतुर्दश भुवन है, भगवान श्री कृष्ण के मुख में सारे ये ब्रह्मांड, छोटे छोटे ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें देखते देखते माँ ने देखा, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो सचमुच में सारा ब्रह्मांड खा गया। बाल कृष्ण भगवान मुस्कुरा भी रहे, दिखा भी रहे, अरे मैया तूने ही तो कहा ना हम भक्षितवान। ले देख सत्य गिरस्त, तूने जो कुछ भी कहा है सब ठीक है, तेरी वाणी भला मिथ्या कैसे हो सकती है मैया। ले देख ले मैं सारा ब्रह्मांड खा करके पचाने वाला हूं। हाय रे दादा ये मैं क्या देख रही हूं, एतद विचित्रम, ये तो बड़ा विचित्र लाडला बेटा है, अद्भुत है ये, अपने ही पुत्र के मुख में अनंत ब्रह्मांड का मैं दर्शन कर रही हूं। चित्त चंचल हो गया, उद्विग्न हो गई, मन में बहुत प्रकार की शंका उठने लगी, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, अथवा किसी देवता ने इंद्रजाल तो नहीं कर दिया, माया तो नहीं कर दिया, मेरी बुद्धि बिगड़ तो नहीं गई, अथवा मेरे ही पुत्र का कोई जन्म से ऐसा योग तो नहीं है जिस योग के कारण इसके मुख में ये सब चित्र विचित्र अनंत ब्रह्मांड का मैं दर्शन कर रही हूं। इस तरह शंका उपशंका करती हुई किसी भी एक निश्चय पर नहीं पहुंच पा रही है। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मन कर्म बचो भिरंजसा यदाशयम येन यतः प्रतीयते सदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। तर्क वितर्क करती रही, लेकिन तर्क और वितर्क के द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण के चरित्र को नहीं जाना जा सकता है।
मन वचन कर्म से उस परमात्मा को नहीं आसानी से समझा जा सकता। वह वितर्क के द्वारा गोचर नहीं है, न वितर्क गोचरम, तर्क से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि जगत में भले कोई तर्क करके किसी बात को सिद्ध कर दे, लेकिन प्राचीन महर्षियों ने पहले ही कहा है कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, उसी तर्क की तर्क को प्रतिष्ठित किया जा सकता है जो ऋषि महर्षियों के द्वारा समर्थित हो। आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्र विरोधिना, वेद और शास्त्र से अविरोधी तर्क, जो शास्त्र का विरोध न करते हो, ऐसा तर्क कैसे? अब शास्त्र की तरफ सारी दुनिया कोरोना के कहर के कारण भाग रही है। देख लो, हाथ मिलाते थे, अब तो नमस्ते इंडिया, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहा है, प्रेसिडेंट भी कह रहा है नमस्ते इंडिया है, नमस्ते नमस्ते वो भी बोल रहे हैं नमस्ते इंडिया। क्यों? हाथ मिलाना बंद, नकबंद लग गया, दूर ही रहो कम से कम 3 मीटर। अब नए नए ब्रिटेन की वेरिएंट आया है, वो तो वैक्सीन लिए हुए को भी सुना हूं पकड़ रहा है, अब कहां जाओगे? इसलिए सबको सनातन धर्म की ओर लौटना होगा। एकमात्र सनातन ही धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं जिसे प्रकृति ने प्रकट किया है। उस प्रकृति को धारण करने वाले परमात्मा नारायण का श्वास जो वेद है, उन वेदों में जिसके कायदे और कानून गुंफित है। अब तो चाय छोड़कर काढ़ा पीना ही पड़ेगा, वो भी भारतीय एलोपैथ का नहीं, किसी और पैथ का नहीं चलेगा, शुद्ध आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार काढ़ा बना करके पियो। वैक्सीन के भरोसा भी बहुत मत रहो, हाँ, नहीं तो क्या पता कौन सा और बैक्टीरियाज वायरस का संक्रमण हो जाए। आचार विचार, ये पहला धर्म है महाभारत। आचार प्रथमो धर्म, सबसे पहला धर्म का नाम है आचार, माने आचरण। इसलिए आज भी महात्मा लोग अपने कोई पैरों को छूने के लिए आगे बढ़ता है तो लोग ये समझते हैं, अरे ये महात्मा जी तो मुझे छोटा समझते हैं इसलिए मुझे छुलवाते नहीं अपना। पर बाबा ये बात नहीं है, हमारे भीतर की जो बीमारी होगी तुम्हें लग जाएगी संक्रमण के कारण, इसलिए मैं अपने आप को दूर रखता हूं, तुम दूर ही रहो।